हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, आपने वीडियो देखी होगी, कल ही हमने जो स्प्लेंडर एक्सटेक है इसकी डिलीवरी ली थी। तो इस बाइक में एक फ़ीचर दिया हुआ है स्मार्ट कनेक्टिविटी का, जैसे इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो फ़ीचर दिया हुआ है वो कैसे काम करता है, आप अपने मोबाइल से इस बाइक को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फ़ीचर इस बाइक में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम लोगों को प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ऐप का नाम है हीरो राइड गाइड। तो आप देख सकते हो ये वाली जो ऐप है ये हमें डाउनलोड कर लेनी है। ऐप को हमने डाउनलोड कर लिया है, इसमें कुछ परमिशन वगैरह मांग रहा है, वो परमिशन हम इसको दे देते हैं। तो ये सब हमने कर लिया है, अब हम बाइक को एक बार ऑन कर देते हैं। एंड आपको यहाँ पे काफ़ी बाइक्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आप देख सकते हो काफ़ी हीरो की जो भी बाइक्स हैं, एक्सट्रीम है, एक्सपल्स है, ग्लैमर, काफ़ी जिसमें ये फीचर वगैरह दिए हुए हैं वो बाइक्स आपको देखने को मिल जाएगी। लास्ट में आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एंड ये बैटरी सेवर परमिशंस को ऑफ़ करवा रहा है, तो हम इसको बैटरी सेवर को ऑफ़ कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाइक को डिटेक्ट कर लिया है अपने, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बाइक का नेम मांग रहा है, तो डाल देते हैं यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस डाल देते हैं। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये कुछ और परमिशन यहाँ पे मांग रहा है। तो आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे बाइक में एक मीटर में कुछ पिन आ गए हैं, यही पिन हमें यहाँ पे एंटर करने हैं। तो पिन है 219862, तो हम इसको पेयर कर लेंगे अब। एंड यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, उसको हम एक बार अलाउ कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये स्क्रीन यहाँ पे आ गई है, एंड बाइक के मीटर में आप देख सकते हो कि बाइक ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे ब्लूटूथ का साइन आ रहा है और ये जो हमारे फ़ोन में जो बैटरी परसेंट है वो बैटरी यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसमें कॉल करते हैं या कॉल आती है तो कैसे क्या शो करता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे जिस फ़ोन से कनेक्ट है अभी बाइक, उस फ़ोन पर मैं एक बार फ़ोन करता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी कॉल आ रहा है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल का साइन ब्लिंक करने लग गया है। एंड अगर आपके किसी कॉन्टैक्ट का फ़ोन आ रहा है तो जो कॉन्टैक्ट है वहाँ वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा नाम सेव है उस फ़ोन में वही नाम यहाँ पे शो कर रहा है कि किसका फ़ोन आ रहा है। अब जैसे हमने कॉल अटेंड नहीं किया, कॉल कट गया, तो यहाँ पर आपको मिस कॉल अलर्ट दिख जाएगा। ये देख सकते हो आपको मिस कॉल का साइन यहाँ पे आ चुका है। इसमें टेक्स्ट मैसेज का भी होता है, तो टेक्स्ट मैसेज भी मैं अभी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी जस्ट मैंने टेक्स्ट मैसेज किया है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज का भी निशान शो करने लग गया है। तो ये एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर इस बाइक में दिया गया है, जिसे आपको बाइक राइड करते टाइम काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किसका फ़ोन आ रहा है, जैसे नाम शो कर जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कॉल होती है जिसको अटेंड करना ज़रूरी होता है, कुछ ऐसी भी कॉल होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इरीटेट कर देती है, हम बाइक रोकते हैं फिर हम चेक करते हैं लेकिन वो कॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो फिर अपने को उस चीज़ से थोड़ा सा गुस्सा आता है। तो ये जो फ़ीचर है वो थोड़ा मतलब आपके काम तो आने ही वाला है। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।